हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि अर्न लीव सैलरी क्या होती है। आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़ रहे क्या है, लिखा है कि श्री प्रकाश, श्री ओम प्रकाश वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी। ही सॉट प्री मैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑन 1 नवंबर 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो उन्होंने 25 ईयर्स ऑफ सर्विस की है। From 1st August 2017 his pay scale was 18,000। पे स्केल उनकी दी है सैलरी की। एंड ही वॉज गेटिंग अ डी ए मिल रहा था उनको, कितने का? 1800 का पर मंथ, विच वॉज ट्रीटेड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मीन्स मतलब उसमें कंडीशन मैंशन है, उसमें ये लिखा है कि विच वॉज ट्रीटेड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट, ट्रीटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, बेनिफिट। आगे लिखा है कि ही हैड अ 7 मंथ अर्न लीव टू हिज क्रेडिट। तो 7 मंथ की इनके पास क्रेडिट लीव थी, मतलब ये हुआ कि इनका 7 मंथ तक, इन्होंने 25 ईयर ऑफ सर्विस में 7 टोटल जो इन्होंने छुट्टी अवेल जो नहीं की थी वो टोटल बन रही थी 7 मंथ के इक्वल। ठीक है, तो जो इन्होंने छुट्टी नहीं ली थी वो टोटल में 25 ईयर्स में वो 7 मंथ के इक्वल आ रही थी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज पर ईयर, मतलब उसको हर साल 30 डेज की छुट्टी मिलती थी, 30 डेज पर ईयर। फिर लिखा हुआ है विच वॉज अप्रूव्ड, हेंस ही वॉज पेड 1,32,300। मतलब उनको मिलता था पेड 1,32,300, मतलब इस छुट्टी जो उन्होंने अवेल नहीं की इसके उनको इतने रुपए मिले। फिर लिखा हुआ है कि उनको ये सैलरी मिली है और जो डीए मिला है वो है 12,600 डीए मिला है, ये डीए है। ठीक है, लिखा कंप्यूट द अमाउंट एग्जेम्प्टेड रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इफ ही जॉइंट अनदर कंपनी ऑन 1st January 2019, ठीक है, एट 22,500। इसमें लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे, पहले देख लेते पहले इसमें रूल क्या है। तो रूल है फर्स्ट जो रूल है लिख देंगे पहले लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, शैल बी एग्जेम्प्ट। तो फर्स्ट जो रूल है वो लिखेंगे 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो फर्स्ट में निकालेंगे पहले 10 मंथ एवरेज सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो जिस दिन से वो रिटायर हुए हैं उसके पहले के 10 मंथ। तो क्वेश्चन में जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी उनकी थी 1 नवंबर 2018। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन था उसमें रिटायरमेंट की डेट जो थी, रिटायर हो रहे थे वो 1 नवंबर 2018। इसके जो स्टार्टिंग के जो 10 मंथ्स होंगे, इसके पहले के जो 10 मंथ्स होंगे, प्रीसीडिंग 10 मंथ्स होंगे, उनकी सारे हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट कैलकुलेशन में। सेकंड रूल जो है वो है 3 लाख का, इसे कर लेते हैं अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड। अप्रूव्ड पीरियड क्वेश्चन कितना दिया था? 7 मंथ का। अप्रूव्ड पीरियड मीन्स क्या हुआ कि जैसे जितने महीने की छुट्टी उन्होंने, जितने आप जितने डेज छुट्टी उन्होंने नहीं ली होगी, तो जो जितने दिन छुट्टी उन्होंने नहीं ली थी 25 ईयर्स में वो बराबर था 7 मंथ के। अप्रूव्ड पीरियड जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो दिया हुआ वो है 7 मंथ का।
थर्ड जो रूल है वो है 3 लाख का। फोर्थ रूल है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। तो ये हमारे 4 रूल्स थे। फर्स्ट रूल है 10 मंथ एवरेज सैलरी, जिस दिन से वो रिटायर हुए होंगे उसके स्टार्टिंग के जो 10 मंथ्स होंगे उनकी सैलरी हम लोग कंसिडर करेंगे। सेकेंड रूल है अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द अप्रूव्ड पीरियड। तो जो स्टार्टिंग में यहाँ तक का जो अमाउंट कैलकुलेशन होगी वो सेम इसी की होगी। इसकी जो हम लोग एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे वही यहाँ पर हम लोग लेंगे, लेकिन उसमें बस फॉर अप्रूव्ड पीरियड मीन्स जो भी जितने महीने की हमने छुट्टी नहीं ली होगी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड रूल है 3 लाख का और फोर्थ रूल है अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को मूव ऑन करते हैं कि कैसे करना है इसको। तो फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले कैलकुलेशन सैलरी के निकाल देते हैं। सैलरी कैसे कैलकुलेट करी गई है, सैलरी में पे स्केल दिया हुआ है। हमने प्रीवियस क्लास में हमने आपको पे स्केल हमने कैसे निकाला गया था इसका हमने बताया था, इसलिए वो फिर से बता दे रहे हैं। ये जो चेंज हो रहा है 900 का वो हो रहा है 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2017 से। ठीक है, तो 1 अगस्त 2017 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक उसकी सैलरी रहेगी 18,000। ठीक है, फिर 900 से इंक्रीज हो जाएगी कब, नेक्स्ट 1 अगस्त 2018 को। फिर वो एक साल तक कितनी रहेगी, एक साल तक फिर से फिर वो 900 से इंक्रीज होकर 18,900 बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक का काम है, इसके आगे का हमें काम नहीं, इसलिए इसके आगे कैलकुलेशन हम नहीं निकालेंगे। तो दो डिफरेंट अमाउंट निकल के आए सैलरी की, एक 18,000 है और एक 18,900 है। तो ये समझ लीजिए, ये जो कैलकुलेशन अगर सिर्फ पे स्केल निकालना होगा तो हम लोग 24,300 तक तब तक जाएंगे जब तक तब तक इंक्रीज करेंगे, तो हम हर बार हम लोग इंक्रीज करेंगे 900 से, जैसे अब ये बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक है कि हम आगे का बता दे रहे कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो फिर ये 19 को फिर 31 2020 को इंक्रीज होके बन जाएगी 19,800, फिर से बन जाएगी। ठीक है, फिर से 900 इंक्रीज होगी, फिर ये 900 से इंक्रीज होगी हर साल, जब तक ये 24,300 ना बन जाए तब तक सैलरी जो है वो हर साल इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहीं तक का काम है, तो हम लोग इसे यहीं तक का देख रहे हैं। सैलरी निकल के 18,000 और 18,900 रिटायर हो रहे थे वो 1 नवंबर 2018 को, तो देख ले रहे हैं वो इस बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर वो 1 नवंबर आता है 2018। ठीक है, तो 1 नवंबर 2018 के जो प्रीसीडिंग 10 मंथ्स हैं, प्रीसीडिंग 10 मंथ्स जो हैं वो कौन कौन से वो देखते हैं, वो है अक्टूबर है, सितंबर है, अगस्त है, जुलाई है, जून है, मई, अप्रैल, मार्च, फेब और जैन। ये 10 मंथ्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सैलरी जो चेंज हो रही है 18,900 पे वो चेंज हो रही है 1 अगस्त को। तो ये मंथ और 3 मंथ सैलरी कितनी रहेगी, 18,900। उसके पहले की जो सैलरी थी वो पुरानी सैलरी थी, तो वो थी 18,000 रुपीज़। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि 18,000 जो सैलरी थी वो हम लोग लेंगे 7 मंथ्स की, और 18,900 लेंगे हम लोग 3 मंथ्स की। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,26,000, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,900 को आ जाएगा हमारा आंसर 56,700। तो जो टोटल सैलरी हमारी आ जाएगी वो हो जाएगी 2,07,000। इसका जो टोटल होगा वो है 2,07,000। ठीक है, तो 2,07,000 आ गया हमारा, ये सैलरी निकल के आ गई है। ठीक है, अभी
अकॉर्डिंग टू द रूल हमें एवरेज सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो इसका हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। तो जब एवरेज निकालेंगे हम लोग, तो ये 10 मंथ की सैलरी है, 10 से डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना आ गया सैलरी 20,070, ठीक है। तो ये हमारी आ गई एवरेज सैलरी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ये सैलरी थी हमारी वो कितनी बन के आ रही थी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, ठीक है। तो सैलरी फॉर 10 मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी, तो 10 मंथ की सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, देखते हैं। सैलरी हमारी आ जाएगी 2,07,00,000। तो ये फर्स्ट रूल की सैलरी हमारी कितनी होगी, 2,07,00,000 की, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड रूल है सैलरी फॉर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड। तो सैलरी जो हमारे एवरेज सैलरी से निकल के आई थी वो कितनी थी, 20,070। अप्रूव्ड पीरियड कितना है, 7 मंथ्स का। तो जो 7 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेकेंड रूल का आंसर, जो निकल के आएगा 1,40,490, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब देखेंगे थर्ड रूल कितना है। तो थर्ड रूल जो है वो है 3 लाख का, ठीक है। तो फर्स्ट रूल को फिर से समझ लें। फर्स्ट रूल कैसे करा था हम लोग ने, फर्स्ट रूल जो था वो हमारा था एवरेज सैलरी, इन्होंने पहले निकाल ली, पहले इन्होंने पे स्केल को क्लियर करा कितना आ रहा है आंसर। तो आंसर कितना आ रहा था, 18,007 मंथ्स का था और 18,903 मंथ्स का था, ठीक है। फिर उसको हम लोग ने ऐड करके टोटल सैलरी निकाली 10 मंथ्स की, तो 10 मंथ्स की सैलरी कितनी निकल के आई, 2,07,00,000, ठीक है। 2,07,00,000 जब आ गई, उसके बाद हम लोग ने उसका एवरेज निकाल लिया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो फर्स्ट रूल के लिए आंसर जो था वो था 2,07,00,000, ठीक है। अब जो अमाउंट हमें मिल, जो अमाउंट एक्चुअल रिसीव जो होगा हमें, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ही जॉइंड अनदर कंपनी ऑन 1st January 2019 एट 32,500, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है कि ओम प्रकाश वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ अ कंपनी, ही सॉट प्री मैच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस 1st November 2018 after completing 25 years of service. From 1st August 2017 his pay scale was 18,900 to 24,300. तो हम लोगों ने पे स्केल निकाल लिया है। फिर लिखा था ही वॉज गेटिंग अ डी ए, डी ए में लिखा था पार्ट ऑफ अ सैलरी, ठीक है। तो वो मैंशन करेंगे इसमें, ठीक है, लिखा था डी ए पार्ट ऑफ सैलरी बनता है। फिर लिखा हुआ था कि ही हैड अ 7 मंथ अर्नड लीव टू हिज क्रेडिट। तो 7 मंथ की अर्नड लीव थी उनके क्रेडिट में, तो 7 मंथ की उन्होंने कैलकुलेशन कर ली। हम लोग का सेकेंड रूल आ गया है। थर्ड रूल जो था वो थ्री लैक्स का था, ठीक है। तो 3 लैक्स को हम लोग ने निकाल लिया, 3 लैक्स का रूल है, तो वो हम लोग ने लिख दिया। अब जो एक्चुअल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन है कि उसको कितना मिल रहा है। तो उसको कितना मिल रहा था, 1,32,300 मिल रहा था कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो 1,32,300 प्लस कर देंगे उसमें जो डीए मिल रहा था हमारा, डीए कितना था लिख ले रहे प्रॉपर, पहले सैलरी जो मिल रही थी उसको कंपनी की तरफ से 7 मंथ्स की जो सैलरी थी वो थी 1,32,300। लेकिन जो डीए मिल रहा था उसको कंपनी की तरफ से वो था 12,600। तो जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है उसको, वो कितना टोटल हो रहा है रिसीव, 1,44,900 का। तो हमारा जो फोर्थ रूल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1,44,900, ठीक है। तो फोर्थ रूल ये आ गया। फर्स्ट जो रूल था मेंशन कर रहे, फर्स्ट यहाँ पे लिख ले रहे, फर्स्ट रूल का जो आंसर था वो था 2,07,00,000, ठीक है।
अब जब देखते हैं कि इसमें सबसे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, सेकेंड रूल जो हमारा है, ठीक है, जो अप्रूव्ड पीरियड वाला, तो ये अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जेम्प्टेड पार्ट, तो एग्जेम्प्टेड पार्ट कितना आ जाएगा, 1,40,490, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो इसको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। फोर्थ रूल के लिए जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो कभी कभी हम लोग क्लियरली दिया रहेगा कि अमाउंट टोटल इतना है, कभी तो हमें दो फॉर्म में दिया रहेगा, एक सैलरी दी है और डीए भी दिया है। डीए हम लोग ने इसलिए लिया है क्योंकि डीए क्या की कंडीशन मेंशन थी, इसीलिए ले लिया, ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड ना करते, तो सिर्फ आंसर जो हमारा ये 1,44,900 जो है वो सिर्फ रह जाता 1,32,300 पे, ठीक है। अब अगर टैक्सेबल पार्ट निकालना है तो टैक्सेबल पार्ट आपको पता ही कैसे निकाला जाता है, टैक्सेबल पार्ट जो एक्चुअल रिसीव हो रहा होता है उसमें हम लोग एग्जेम्प्टेड पार्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, जो हमारा जो बाकी डिफरेंस होता है वो हमारा टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं तक था, नेक्स्ट टर्न में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे।